नमस्कार, मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा। हम इस वक्त मुंबई में हैं, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बाहर है। अभी अभी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म हुई है। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, कुछ लोग हैं जो एक मिनट ठीक है। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जिनकी टी शर्ट पर मैं भी चौकीदार लिखा हुआ है। बस नारे हो गए, अब अपन बात करेंगे। ठीक है, क्या बोले मोदी जी आज रैली में? मोदी जी ने आज इतना बोला ना, दिल खुश हो गया। जैसे अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, नारे नारे ठीक है। आप बताइए बोला क्या 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 चीज ने? काफी कुछ अच्छी बात ही कही। जैसे जैसे कि अभी आगे जो युवा पीढ़ियों के लिए विकास होने वाला है, जी जी, और जो काफी सर्जरिकल स्ट्राइक हुए उनके बारे में बताए, और काफी चीजें बताई उन्होंने। जिस तरह जी देश के मिडिल क्लास का कांग्रेस ने अपमान किया, देश के मिडिल क्लास को लालची करके कांग्रेस के नेता ने कहा कि देश का मिडिल क्लास स्वार्थी और लालची है, तो मोदी जी ने बताया। सैम पित्रोदा ने और भी कुछ कहा था एयर स्ट्राइक के और बारे में कि उनका अगर कोई एक आतंकवादी आकर हमारे देश पर हमला करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पाकिस्तान में हमला करें। ये उन लोगों की सोच है, उसी सोच को मोदी जी ने आज यहाँ पे उजागर किया। क्या बोले? मिडिल क्लास ने इस देश को कितना कुछ दिया है, मिडिल क्लास के टैक्स से इस देश के गरीबों का जो भला हो रहा है, मोदी जी ने सभी को धन्यवाद किया है। आज हम लोग मिडिल क्लास लोग है, हम लोगों में से बहुत लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी, जिससे गांव में एक गरीब महिला को उज्ज्वला के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन मिल रहा है, और उसकी वजह से उसके उसके जो 400 सिगरेट का धुआं। अच्छा सुनिए एक बात हमें बात करनी है। अगर हम नारेबाजी करेंगे तो बात कैसे हो पाएगी? जिसको जो कहना है आगे आए, बिल्कुल कहे, आप ही की बात सुनने आए हैं। हम भी दिल्ली से आए हैं, इतनी दूर आए हैं, बात सुनने आए हैं। हम लोग काफी देखते हैं जी। शुक्रिया आपका। आप बताइए और क्या बोले मोदी जी? मोदी जी ने आज ये बताया, मुंबई के बारे में बताया कि जिस तरह से मुंबई को विकास की पटरी पर लाए हैं, आज हमारी लोकल ट्रेन में आप जाएंगे तो इतनी भीड़ देखती है। मुंबई का एक चित्र अगर देश के नजरों में है तो यही है कि लोकल ट्रेन में भीड़ होती है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी सोचा नहीं इतने सालों से। लेकिन आज मोदी जी की सरकार आई और ये मुंबई पूरी देख रही है कि हर तरफ मेट्रो का काम चालू है, हर तरफ मेट्रो का काम चालू है। जहाँ पर 8 साल में 8 किलोमीटर का मेट्रो बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, वहाँ आज 3-4 सालों में 350 किलोमीटर का मेट्रो का काम पूरा होने जा रहा है, और ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो ना तो नोटबंदी पे बात कर रही है, ना जीएसटी पे बात कर रही है, वो बात करती है एयर स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर। तो क्या लगता है आपको, उनके उस आरोप में दम है? वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने विकास का वादा किया पर विकास नहीं किया, इसलिए वो बाकी बातों पे बात करते हैं। आपके क्या कहना है? सबसे पहले तो कांग्रेस को विकास पे बोलने का कोई हक ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो लोग 35-40 साल से गरीबी हटाओ का नारा लगा रहे, और आज कांग्रेस, मुझे एक बात बताइए, 37% गरीब है इस देश में। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने ये अपना घोषित किया, उन्होंने रिकॉर्ड बताया कि 37% इस देश में गरीब है। लेकिन आज राहुल गांधी जब घोषणा कर रहे, वो बोलते कि देश के 20% जो गरीब है उनको हम ये देंगे, 72,000 देंगे। अब बताइए, 2013 में इन्होंने बोला कि देश में 37% गरीब है, अभी राहुल गांधी बोल रहे कि देश में 20% गरीब है। मतलब 5 सालों में 17% गरीबी तो मोदी जी ने ऐसे ही खत्म कर दी। अगले 5 साल में इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, उन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से। राजीव गांधी बोलते थे 1 रुपया बेचता हूँ वो 10 पैसा पहुँचता है, 90 पैसे ये लोग चोर लोग खा जाते थे, समझे ना। आज मोदी आए तो पूरा 100 रुपये से रुपया पब्लिक के विकास में लगता है। आप मुझे बताइए, पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या होता था, हमारे गांव में पेंशन योजना चलती थी, गरीब को जो बुजुर्ग होता है उसको 500 रुपया पेंशन आती थी। कांग्रेस की सरकार में वो पेंशन आती थी डाकिया के थ्रू। डाकिया क्या करता था, 300 रुपया देता था, बस इतना ही आया, माजी इस बार इतना ही आया, पापा इतना ही, इस बार इतना ही आया। फिर वो 4-6 महीने पेंशन देता ही नहीं था, बोलता था अरे 4 महीने से सरकार पेंशन भेज ही नहीं रही है। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई, सबसे पहले उस गरीब का, उस बुजुर्ग का जनधन का अकाउंट खोला, आज जो 500 रुपया मोदी जी वहाँ से भेजते पूरा का पूरा उसके अकाउंट में आता है। तो मतलब ये जो काम किया है मोदी जी ने, आज गरीब को उसका हक मिल रहा है, कोई बिचौलिया बीच में खा नहीं सकता है। और जो जिनका खाना पीना बंद हो गया है, कांग्रेस का एक ही थिंक था कि खाओ और खाने दो और वोट बटोरते रहो, लेकिन मोदी जी का ऐसा नहीं है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वोट की राजनीति मोदी जी बिल्कुल नहीं करते, नहीं तो नोटबंदी भी नहीं करते थे। अच्छा,
नोटबंदी से आज देश में जितने भी आतंकवादी नक्सलवादी लोग को जो पैसा पहुंचना बंद हुआ कितना आज हम पर सर फिर तो पुलवामा में इतना बड़ा अटैक हुआ उसकी भी तो कहीं से फंडिंग हुई होगी। ये तो आंकड़े तो बता रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं तो अभी भी जारी हैं, बढ़ भी रही हैं, रोज मर रहे हैं। पुलवामा में इतना बड़ा अटैक जो हुआ है उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा एक्शन लिया आपने देखा, तुरंत 24 घंटे यहाँ पे जब भी 26/11 के हुआ था दो दिन तक कोई मंत्री कोई नहीं यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बताइए कांग्रेस मोदी जी के राज में 5 साल में आतंकवादी हमले कितने हुए, 2, एक उरी में और एक पुलवामा में। पर कांग्रेस ये कहते हैं कि जो कश्मीर में इंस्टेबिलिटी है वहाँ का माहौल जो खराब हुआ है तो मोदी जी की गवर्नमेंट के दौरान ज्यादा हुआ है, हालात बहुत बुरे हुए हैं, जबकि वहाँ भी मोदी सरकार बरोबर थी, पीडीपी के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी की वहाँ सरकार थी, केंद्र में तो वो है ही। तो उनका ये कहना है, आप कह रहे हैं आतंकवादी घटनाएं कम हुई शांति आई, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्शन हो रहा है। देखिए शांति किसके लिए आई है, शांति जब कश्मीर से उन आतंकवादियों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है ना, तो आज मुंबई में और नागपुर में और जयपुर में हमले नहीं हो पा रहे इन 5 सालों में। अच्छा। आतंकवादियों को कश्मीर में मारा जा रहा है और आतंकवादियों को जो मारा जा रहा है घर में घुसकर उनको बुरहानवानी जैसे लोगों को मारा जा रहा है, उससे अगर कांग्रेस को ये लग रहा है कि अशांति फैल रही है तो ये उनकी सोच है। आतंकवादियों को मारना कोई अशांति नहीं है। आगे मंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी आगे आगे नारे नारे से क्या आगे आगे आने वाले बात करेंगे। आगे आने वाले जो शांति की जो स्थापना करती है उसके लिए ये आतंकवादियों को मार के अशांति फैलाना जायज है। अच्छा, मार के शांति फैलाना अशांति फैलाना आतंकवादियों। मैम से बात करेंगे हम। मैम आपका नाम? मेरा नाम है रेखा। रेखा, 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 रेखा। अच्छा रेखा, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीर में क्या है, ये मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के टाइम से जो सेपरेटिस्ट जो 4-5 पार्टियां हैं उनको जो सपोर्ट मिल रहा था उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उनको पैसे मिल रहे थे 1,30,00,000 समथिंग, तो वो जो पैसे मिल रहे थे कि आप बाहर से टेररिस्ट को अंदर ना आने दें और कश्मीर को महफूज रखें, इसके बदले इन्होंने क्या किया कांग्रेस और मिली भगत ये जो सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, पैसे अपनी जेब में डाले, लग्जरी लाइफ जिए और वहाँ से सेपरेटिस्ट सब फिल्टरेशन होता रहा जी। हमारे जवान मरते रहे जी। हमारे लोकल जो कश्मीर के भाई और बहन हैं उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, पंडित वहाँ से चले गए, उनको फोर्सिबली निकाला गया जी। तो आप समझे ना ये गेम चल रहा था, मोदी जी ने ये सब बंद कर दिया, जो पर्क्स मिल रहा था वो सब बंद हो गया, अभी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए बौखला गए। अच्छा, महबूबा जी भी उनको भी लगा कि अरे क्या हो गया, हमारे बगैर तो इन हिंदुस्तान कैसे चल सकता है, हमारे सपोर्ट के बगैर, तो वो चल रहा है और आगे भी चलेगा क्योंकि कश्मीर हमारे देश का एक हिस्सा है फ्रॉम बिगिनिंग, बहुत लंबी हिस्ट्री है। तो कश्मीरी भी हमारे हिस्से होंगे ना, हमारे भाई बहन है जी। सब हमारे भाई बहन है, जैसे साउथ में है, जैसे नॉर्थ में है, जैसे वेस्टर्न इंडिया में है, ऐसे ही कश्मीर के लोग हमारे भाई बहन है। अच्छा। उसमें पंडित्स भी आ गए, मुस्लिम्स भी आ गए, सारे भाई बहन है जी, जी। बहुत अच्छी बात, हम अपने दोस्तों से और बात करेंगे। राज ठाकरे की रैलीज हो रही है पूरे महाराष्ट्र भर, जिनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है मोदी सरकार की आलोचना करना, मोदी सरकार के जो भी वादे थे उनकी वो उनका चल रहा है लावारे, तो वीडियो चला देते फिर बताते कि उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो आपको क्या लगता है बीजेपी को नुकसान हो रहा है यहाँ पे? आपका नाम मैम? माधुरी पोखर। माधुरी, मैं बोलती हूँ कि मोदी साहब जब से 5 साल से आए ना पूरा सब बदलाव करके दिया है, ये अभी राज साहब जैसे मैम बदलाव के खाते में क्या गिनवाना चाहेंगे आप? ये सब बदलाव, ये मेट्रो का अभी उज्ज्वला आया है वो सब, इसमें बहुत बदलाव किया है उसने, और अभी जवान मर रहे उनके लिए भी क्या क्या कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार जो है कांग्रेसियों की ही पुरानी योजनाओं को झाड़ पोंछ कर नया नाम देकर पेश कर रही है, आपको क्या कहना है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अभी 5 साल में बहुत बदलाव किया है ना, वही 1 वर्ष में इतना सब बरेला है कि पूरा बदलाव किया जैसे है। कि कांग्रेस ही कहते हैं कि मनरेगा की बीजेपी पहले बहुत आलोचना करती थी, फिर बाद में वो जब खुद सत्ता में आए तो उन्होंने उसमें खुद भी और पैसा झोंका है, तो आपको क्या लगता है उनकी बात में दम है?
नहीं नहीं ऐसा आपको क्या लगता है? बात रहेगा, बात योजनाओं की नहीं है, बात योजनाओं को अमल कैसे किया जा रहा है उसके ऊपर है। तो आपको लगता है कि मेरा एक बोलना है कि जो बेरोजगार आज के जवान बच्चे लोग है उनको रोजगार मिलना चाहिए और मोदी सरकार आएगी ना वापस तो इसमें पूरा बदलाव होएगा और आजकल के लड़के लोग बेटा चोर बोलते ना वो नहीं है वो चौकीदार चोर नहीं है, चोर नहीं है जीजा साला चोर। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता वर्मा। आपका वोट है? जरूर। आप मतलब 18 इयर्स की हो गई है, आप वोट डाल? अच्छा, आप पहला वोट डालेंगी? पहला वोट मेरा तो नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। अच्छा, क्या आपको दिखता है नरेंद्र मोदी बहुत में? से बदलाव, सबसे अच्छा बदलाव उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, फिर गांव की महिलाओं के लिए जो रोज वो धुआं से मरती थी, रोज मरती थी, पूरा क्लियर कर दिया, उनको गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया है। पर लेकिन महिलाओं की खिलाफ हिंसाओं की घटनाएं अभी भी रुकी तो नहीं है? रोज आए दिन हम टीवी पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। बस उनको लाके देखो 101% रुकेगी। तो फिर इन 5 सालों में क्यों नहीं रुकी है? 5 साल तो थे ना पूरे फुल क्लियर कट मेजोरिटी। 100 में से 80% तो हो ही गई है ना सर, कांग्रेस सरकार ने तो इतने सालों में नहीं हटा पाई, मोदी सरकार ने तो 5 साल में तो इतना हटा। अच्छा, राहुल गांधी कैसे पॉलिटिशियन लगते हैं आप? राहुल गांधी एकदम निचड़ किसी का, वो पब्लिक में आया तो सबसे पहला जूता मैं मारूं। वजह क्या है ऐसी सोच रखने? एकदम बकवास इंसान, उसने आज तक क्या किया है पब्लिक के लिए? क्या किया है? हम ये करेंगे हम वो करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है तो आपको जी ऐसा कुछ पद तो लिया नहीं गवर्नमेंट के अंदर की उसको जानकारी है किसी भी चीज की। अच्छा, अभी उसको मुख्यमंत्री और मंत्री का भी उसको मालूम नहीं है कि देश को कैसे चलाना है और देश के लोगों के, देश के लोग किस तरीके से जी रहे हैं, खेती में कैसी फसल हो रही है, उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है और वो देश चलाने की बात कर रहे हैं। और एक मिनट, और मोदी जी को लाने का मेरा भी एक ही मकसद है कि 5 साल के अंदर जो शहरों के अंदर जो लोग यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अभी किसी भी शहर के अंदर कभी बम ब्लास्ट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। और जो जो कश्मीर में जो चिल्ला रहने के वहाँ की पब्लिक परेशान है, वहाँ की पब्लिक वहाँ आतंकवादियों के साथ दे रही है, इसके लिए परेशान है। अच्छा, उनको सामने से बोलना चाहिए कि मेरे घर में आतंकवादी है तो उसको सेना का सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने की जगह उनका वो समर्थन कर रहे हैं, सेना पे पत्थर फेंक रहे हैं। आपका वोट मुंबई में है? मेरा मुंबई में ही है। मुंबई में ही वोट है? तो जैसे अभी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मिलिंद देवड़ा जी, उनको अभी अंबानी ने जी ने सपोर्ट किया है, ठीक है, आपने देखा होगा, आप लोग अवेयर होंगे, वीडियो होंगे, तो आपको क्या लगता है कि उनके सपोर्ट से क्या कांग्रेस को यहाँ फायदा हो रहा है? और जैसे मुंबई पे बीजेपी का राज था, सारी सीटें मुंबई के पास थी, आपको लगता है सीटें घटने वाली है इस बार? नहीं नहीं सर जी, उसमें क्या, साथ ही राज ठाकरे का भी एक कैंपेन चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, वो बीजेपी के सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या लगता है इन सबका कॉकटेल मिला के बीजेपी को मुंबई और महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है? 1% भी नुकसान नहीं होगा और उनकी जो अंबानी की जो उनकी व्यक्तिगत सोच होगी, ठीक है, इसमें वो एक व्यक्ति है, ठीक है, और व्यक्ति अपना मत रख सकता है। अच्छा, ये पूरा पब्लिक है। अच्छा, और पब्लिक अपने हिसाब से मत करेगी तो उसमें वो एक व्यक्तिगत आदमी किसी पार्टी पे ऐसा करता है कि मिलिंद देवड़ा मुझे पसंद है, कांग्रेस पसंद है, तो उसका आम जनता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आप सब लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? जी जी, हमारे देश के लिए। जी, आप आगे आइए, मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी, मेरा एक सवाल है, आप सब लोग अच्छा, आप मुकेश अंबानी बताना चाहते हैं? हाँ, आपने कहा कि मुकेश अंबानी ने मिलिंद देवड़ा को सपोर्ट किया जी। तो जो राहुल गांधी ये बोलते थे कि मोदी जी पर आरोप लगाते थे कि अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचा रहे, आज वो अंबानी तुम इनके कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, आप क्या बोलेंगे राहुल गांधी कि मिलिंद देवड़ा जो उनका कैंडिडेट है वो भी अंबानी का एजेंट है क्या? अच्छा, ये बोलना चाहिए ना फिर उनको। दूसरा बात, आपने बोला राज ठाकरे का, 2004 का जब चुनाव था राज ठाकरे शिवसेना में थे, तब वो शिवसेना का प्रचार कर रहे थे। अच्छा, 2009 का चुनाव आया तब तक राज ठाकरे ने अपनी दूसरी पार्टी बनाई मनसे, तब वो मनसे का प्रचार कर रहे थे, उनके कैंडिडेट भी खड़े थे तभी। 2014 में वो मोदी जी का प्रचार कर रहे थे, उनके पूरे वीडियो मोदी जी के जो उन्होंने गुणगान गाए वो सब आपको पता है जी। आज 2019 में वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का प्रचार कर रहे, मतलब 4 में शिवसेना, 9 में मनसे का प्रचार कर रहे थे, 14 में मोदी जी का प्रचार कर रहे थे, 19 में कांग्रेस राष्ट्रवादी, ऐसे नेता को कौन पूछता है यहाँ पर?
तो आपको लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनका कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, आज मुझे बताइए कि उनका कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट उनका है ही नहीं, और वो आठ आठ सभा कर रहे हैं, इस सभा का खर्चा कौन उठा तो रहे? लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ तो बहुत हो रही है, क्या वजह है सर? भीड़ तो मतलब अभी भीड़ तो आईपीएल देखने में भी भीड़ होती है। अच्छा, लेकिन एक तरफ सचिन तेंदुलकर अगर बैटिंग कर रहा होता दूसरे ग्राउंड पे तो वहाँ पे आईपीएल में इतनी भीड़ होगी क्या? सचिन भी आईपीएल खेला है वैसे। नहीं नहीं, वो तो बता रहा, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एक तरफ इंटरनेशनल मैच चालू होगा इंडिया पाकिस्तान का और एक तरफ आईपीएल चालू होगा तो आईपीएल की भीड़ ज्यादा रहेगी या वो मैच की भीड़ ज्यादा रहेगी? टेक्निकली ये होता नहीं है क्योंकि आईपीएल के वक्त टेक्निकली नहीं होता है। हाँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है। इस तरफ राज ठाकरे, चलिए मेरा एक जेनरिक सवाल है आप सब लोगों से। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोग इतने एग्रेशन से बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मेरा एक सवाल है, आप सब लोग मोदी जी को समर्थन देते हैं, ठीक है, आप वोट करेंगे उनके लिए, गुड। कोई भाई ऐसा हो सकता है जैसे कि ये सर हैं, ठीक है, ये बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते, क्या ये देशद्रोही है? नहीं नहीं, किसने बोला ऐसा? ऐसा ये जो नरेशन चलता है कि जो मोदी को वोट नहीं करेगा, बीजेपी के कई नेता बोल चुके हैं, गिरिराज सिंह बोल चुके हैं ऑन कैमरा, ठीक है, ऐसा बोला नहीं। आप इस बात को मानते हैं ना? अगर हम लोग मोदी जी को सपोर्ट करते और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और मोदी जी खुद भी यही बोलते कि मोदी जी का जितना विरोध करना है करो, जो मुद्दे पे करना है करो, जीएसटी पे करना है, नोटबंदी करना है, गरीबी पे, महंगाई पे, जिस पे विरोध करना है मोदी जी का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर देश के खिलाफ बोलेगा तो उसको देशद्रोही बोला जाएगा। देशद्रोही हम लोग किसको बोलते हैं? आज मुझे बात बताइए, अगर कोई पॉलिटिकल आज राज ठाकरे मोदी जी की बुराई कर रहे ना, उनको हम देशद्रोही तो नहीं बोल रहे, उनको हम देशद्रोही तो नहीं बोल रहे ना, राज ठाकरे को हम देशद्रोही नहीं बोल रहे। लेकिन अगर कोई कन्हैया कुमार वहाँ पर जेएनयू में खड़ा होके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा, वो तो सर कभी प्रूव हुआ ही नहीं। सर मैं एक आप मतलब आपका चैनल, आपका जो ये चैनल है काफ़ी आप लोग परिपक्व लोग हैं, आप मुझे एक इतना बताइए, कन्हैया कुमार जब उस 2000 जब ये जेएनयू में जो घटना घटी, कन्हैया कुमार उस वक्त वामपंथी जो उनकी यूनिट है उसके प्रेसिडेंट थे वहाँ पे। जेएनयू के हालात आपको पता है कि अगर वामपंथी जो यूनिट जो वहाँ पे जेएनयू का प्रेसिडेंट है उसके मर्जी के बिना वहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये हकीकत है। उस टाइम पे वहाँ पर जो अफजल की बरसी पे आप मुझे बताइए, सबसे पहली बात नारे तो छोड़ दीजिए, अफजल गुरु जो आतंकवादी था सुप्रीम कोर्ट ने हमारे उसे सजा दी, उसकी बरसी महीना मनाना ही खुद अपने आप में देशद्रोही है, और खुद अपने आप में देशद्रोही। और वहाँ के जो जेएनयू के लोग थे उन्होंने कहा कि हम लोग उसको इजाजत नहीं दे रहे थे, और कन्हैया कुमार ने फोन करके बोला कि ये बरसी का कार्यक्रम होना चाहिए, इसको रोकने की आप कौन होते हैं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और उसी बरसी के कार्यक्रम में फिर नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। लोग तो कहते हैं कि वो वीडियो डॉक्टर्ड था, उसको मॉर्फ किया गया था, फोटोशॉप था, वो भी प्रूफ हो गया। अच्छा, वो तो प्रूफ हुआ ना बाद में, किसने प्रूफ किया सर? जीटीवी में, जीटीवी वाले सुधीर चौधरी ने बहुत बार उन्होंने ये रिपीट किया है कि वो नहीं था, शुरू में उन पे ऐसा ब्लेम किया था, लेकिन प्रूफ हो गया, लेबोरेटरी टेस्ट भी हो गई है उसकी। अच्छा, आप तक ये जानकारी है कि वो प्रूव हो गया था कि वो वीडियो ठीक था। एक और चीज मुझे पूछनी है, प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया है बीजेपी ने, बहुत अच्छा, और प्रज्ञा ठाकुर जी पर इल्जाम जो आतंकवाद के है, मालेगांव ब्लास्ट के तो है ही, उन्होंने टिकट मिलने के बाद ही शहीद करकरे के खिलाफ एक बयान दिया कि वो मेरे श्राप से मरे थे। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी को उनसे टिकट वापस लेना चाहिए महज इस बात पर? किसने को लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया, ये नहीं बोलना चाहिए, इतना किया था या आप लोग अभी भी समझते हैं कि ठीक है? देखिए, उस वक्त का उस समय जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ हो रहा था वो भी हमें पूरी अच्छी तरह से याद है। बाला साहेब ठाकरे उस समय थे और उन्होंने तब कहा था, मालेगांव में ये लोग जब जांच कर रहे थे एटीएस के लोग, उसमें करकरे साहब भी थे, बाला साहेब ठाकरे ने तब कहा था कि एटीएस के गुंडे। उसके बाद करकरे जी शहीद हो गए, हमें उनके बाद हमारे मन में उनके लिए सम्मान है पूरा, क्योंकि वो जान गए उनकी देश के लिए, देश की सुरक्षा कर रहे थे उसमें जान गई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो बात कही है आपके ऊपर, वो बात अगर वो बीतता था ना सर, तो आप भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरह ही बात करते थे, क्योंकि अगर आपके ऊपर बीतता था वो आपके ऊपर बीतता था, वो व्यक्तिगत जो है उन पर जो तकलीफ से वो गुजरे थे व्यक्तिगत स्तर पर, तो जब इंसान को तकलीफ होती है तो जिस व्यक्ति से उसको तकलीफ हुई थी वो उसके बारे में कहता है, तो उसको इस तरह से नहीं देखा जाए कि मतलब क्या नाम वो शहीद के लिए बोल रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे थे, उसके लिए उनका सम्मान। आपने पार्टी का स्टैंड की बात की, पार्टी के स्टैंड की बात करते हैं फिर,
और अभी हमने इस थोड़ा ये भी बात कर ली थी पीछे कि क्या जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो देशद्रोही है या नहीं है, तो पार्टी के ही कई मेंबर्स, कई एमपीज, मिनिस्टर्स ऐसी बातें करते रहते हैं कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो देश से बाहर चला जाए, पाकिस्तान चला जाए। तो पार्टी बड़े लीडर जो पार्टी चलाते हैं, जो थिंक टैंक है, वो इन लोगों को रोकते क्यों नहीं कि भाई ऐसा मत करो, हमारी छवि खराब होती है। क्या लगता है आपको कि ये जानबूझ के नज़रअंदाज किया जाता है या क्या क्या सिस्टम क्या है ये? शायद मुझे लग रहा है कि मतलब आपने जैसा बोला बहुत जनरल बोल दिया कि ऐसा होता है कि जो मोदी को वोट नहीं दे रहे, ऐसा कोई आपके पास क्लिप है या ऐसा जहाँ पे मोदी जी को वोट नहीं दे रहे या कमल पे वोट नहीं दे रहे वो पाकिस्तान चला जाए, ऐसा क्या गया? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। हाँ, ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है ना। कहा क्या जाता है, जब कोई देश विरोधी बात करता है तब कहा जाता है कि भाई यदि आपको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है तो आप चले जाओ। अब उसमें क्या होता है कि अक्सर जो है जो इस तरह की गलत बात करता है उसका विरोध करने के लिए अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी तो आगे आती नहीं, दूसरा कोई आता ही नहीं है, तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो बोलता है कि भाई ठीक है आप देशद्रोही या गलत बात कर रहे हो तो आप हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते हो तो बाहर चले जाओ। अब समस्या ये होती है, समस्या ये होती है कि उसको इस तरह से देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा कर रहे। बात ये नहीं ने कहा कि मुझे इस देश में डर लग रहा है जी, मुझे इस देश में डर लग रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उनको ये क्यों नहीं कहेंगे कि हम लोग कि आप फिर देश छोड़ के चले जाओ? अच्छा, क्यों नहीं कहेंगे बताओ? नसरुद्दीन शाह को कौन जानता था? इस देश ने उसको बड़ा किया, नसरुद्दीन शाह को शोहरत दी, दौलत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद वो बोलते हैं कि इस देश में। एक बात बताइए, हमारे देश की अभी करंट में समस्या है क्या है जिस पर हमारी सरकारों को काम करना चाहिए? देश में सबसे बड़ी समस्या तो आतंकवाद की थी जिसको अभी मोदी जी ने काफ़ी हद तक ख़त्म किया है। सर अभी पुलवामा हुआ था। पुलवामा सर आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, आतंकवाद को कश्मीर तक सीमित कर दिया है। आज इस देश का हर नागरिक तो सुरक्षित है ना, जो हमला हुआ वो सेना पर इसलिए हुआ क्योंकि वो नागरिकों पर हमला करने, हमारी सेना आज उनके बीच में खड़ी है डट के। आप मुझे बताइए कि आज जो कश्मीर में आतंकवादियों को मार रहे, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है? कश्मीर से सेना हटा लेंगे। कश्मीर से सेना हटाएंगे तो आतंकवादी कहाँ आएंगे? मुंबई में आएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में भी एक हमला हुआ था, नक्सली हमला, आपको याद होगा, ठीक है? वो आतंकवाद की परिभाषा में नहीं आता सर, आतंकवादी है वो, तो चल ही रहे वो सर। उसमें कितना कमी आई, कितने नक्सलियों ने सरेंडर किया? बहुत सारे आतंकवादी नक्सली हमले वहाँ होते रहे, सरेंडर किया। आज ये 5 साल में मुझे बताइए, एक सीआरपीएफ पर जो हमला हुआ था नक्सलवादी हमला, और एक ये अभी हुआ है, लेकिन वो सीआरपीएफ पे हमला हुआ उसके बाद भी कितनी कड़ी कार्रवाई की, उसके बाद सैकड़ों नक्सलवादी मारे। हाँ, रोज मर रहे नक्सलवादी। अरे घुस के मारना, मैं आपको एक जो एक सरेंडर, मैं आपको एक एक मिनट एक मिनट बताइए, मैं आपको थोड़ा एक दूसरा, ये चूंकि अभी हम लोग राष्ट्रभक्ति पे ही बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरा पहलू भी देता हूँ जिस पे भी हम गौर कर सकते हैं। आपने बोला कि देश की इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है, बराबर कि नहीं? समस्या ये है ना कि ये जो अभी का जो समय चल रहा है ये बहुत कॉम्पिटिशन का समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप मानते हो लोगों का तनाव स्तर जो है बहुत बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। ये मोदी जी है जिन्होंने, आप विश्वास नहीं मानोगे, 2000 जो भारत को जो है योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन योग को सैद्धांतिक रूप से भारत में QCI लेवल 1, QCI लेवल 2 इस तरह का योग की जो है शिक्षा प्रणाली विकसित की है, जिसको जो है शिक्षा लेकर आज हमारे यहाँ से बहुत सारे योगा टीचर्स बन रहे हैं, और उन योगा टीचर्स की मान्यता विश्व के 47 राष्ट्रों में है आज की तारीख में। तो जो डिप्रेशन या स्ट्रेस जो आजकल लोगों के बीच में आ रहा है उसको दूर करने के लिए योग जो है सबसे बढ़िया माध्यम है। मोदी जी ने उस योग को प्रमोट किया है और यहाँ से इतने सारे टीचर जो है योग के बनाए जा रहे हैं जो सिर्फ भारत का जो है मानसिक बलोबल, भारत का जो है शारीरिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास नहीं करेंगे, वो संपूर्ण विश्व में जो है परिवर्तन लाने वाले हैं। और ये मैं जो है मानता हूँ कि मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है भारत के स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक मानसिक, और इसका परिणाम जो है साधारण रूप से आध्यात्मिक रूप पर भी आने वाला है। ये मैं जो है बताना चाहता हूँ, मेरा जो है मानना। मैं तो ये बोलूंगी कि अभी वाणी स्वतंत्रता का हमारे देश में इतना ये दिया है, राइट्स दिया है, लेकिन जब ये इलेक्शन का टाइम होता है तभी ये चौकीदार चोर है, कुछ भी बोल देते हैं। तो इतनी गलत बातें तो नहीं बोलना चाहिए। अभी उसने 3 प्रदेश कैसे जीता? किसान का कर्जा माफ करेंगे, ऐसा सब बोल झूठ झूठ बोल के वो सब जीत लेते हैं। अभी भी चलो कोई गरीब लोगों को तो बेचारे को सब मालूम नहीं है क्या, उसने उधर चौकीदार चोर है तो वो तो बेचारे मान जाएंगे। तो ऐसा गलत गलत करने का है तो ये इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स आना चाहिए। चलिए शुक्रिया, हमारे साथ दोस्त हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, जो मोदी जी के समर्थक है, आगे भी बने रहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है,
हो गया, मैं खत्म कर लूं। चलिए, तो हम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बाहर थे, मोदी जी की रैली हुई है और उसके बाद हमने यहाँ उनके कुछ समर्थकों से बात की, जानना चाहा कि वो क्यों नरेंद्र मोदी को इतना पसंद करते हैं, क्या उनके दिमाग में चलता रहता है। आप ललन टॉप की चुनावी यात्रा देख रहे हैं, मेरे साथ रजत सेन है, मेरा नाम मुबारक है, आप देखते रहिएगा। नमस्ते।